कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो फ्री में मिलता है, और फ्री में मिलने के बाद उसको ले भी लेंगे तो कोई मतलब की नहीं रहेगा। कैसे काम करता हूँ, अब मैंने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा और किसी और टीचर ने सिखाया काम, और मैं बैकअप सपोर्ट दे रहा हूँ दूसरे टीचर से, तो वो बोलेगा भाई इस तरीके से कर, वो बोलेगा कि सर मुझे इस तरीके से तो पता ही नहीं, फिर उसको नई एबीसीडी शुरू करना पड़ेगा, वो नया से शुरू करना, ये दिक्कतें होती है। अगर टीचर चेंज होती है तो आप ऐसे टीचर से पढ़ के जाओ, पढ़ने जाओ जो एक्सपीरियंस है, सर जो 4 साल से 3 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज दुकानदारी में 4-5 सेट बना लिए और बैठ गए, इंस्टीट्यूट खोल दिए चले गए, ऐसे लोगों के पास मत जाओ सर मैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि एक बार नहीं 10 बार आप बैकअप क्लास ले आइए, कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तो मतलब ये बताओ मेरे को कि लाइफ टाइम सपोर्ट, कहने का मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट है। क्या था तो तुम्हारी क्या अर्निंग क्या थी, और ज्वाइन करने के बाद जब यहाँ पर सीख के गए एशिया टेलीकॉम से तो अर्निंग क्या है? 1500 रुपये पर डे ऐसे कमा लेता था, आज 2-3 हज़ार रुपये। 3 हज़ार रुपये कमाते हो, मतलब लाख रुपये महीना आपका बन जाता है? बन जाता, आँख बंद करके। कोई अगर तुमको 50 हज़ार रुपये महीने में कोई अगर तुमको खरीदे या बोले कि यार मेरी दुकान पे आके बढ़ जा, तेरे को 50 हज़ार रुपये देता हूँ या 60 हज़ार रुपये देता हूँ, तो जाओगे क्या? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना काम सीखने के बाद क्या तुझसे क्या जॉब पूरी कर सकता? ये एशिया टेलीकॉम का लेवल है, ये एशिया टेलीकॉम का लेवल है, ये एशिया टेलीकॉम का ये लेवल है कि यहाँ के बच्चों को 60 हज़ार रुपये अगर आप ऑफर भी कर रहे हो तो आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ और सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ लाइफ टाइम सपोर्ट है। तो जो एशिया टेलीकॉम बोलता है वो करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल। अभी ये बताओ मेरे को किसी प्रकार का कोई आपसे शुल्क लिया जा रहा है? नहीं। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हमारे साथ बैकअप टीम के एक और स्टूडेंट है, और दोस्तों आपको बता दें, और जो भी स्टूडेंट आप अगर सुन रहे हो, संदीप हमारी पोस्ट कितनी आती है ग्रुप में, अगर किसी को बैकअप की जरूरत हो तो आप आ सकते हैं, कितनी पोस्ट आती है हमारी? बहुत आती है, बहुत आती है। और एक बार में कॉल लगाने पे ही तुरंत बैकअप के लिए बुला लिया तो जाता है। मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ और सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ लाइफ टाइम सपोर्ट है। तो जो एशिया टेलीकॉम बोलता है वो करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल। अभी ये बताओ मेरे को किसी प्रकार का कोई आपसे शुल्क लिया जा रहा है? नहीं। जबकि पांडे आपको अगर हम बता दें कि इस जो यहाँ पे आते हैं ना जो सपोर्ट के लिए आते हैं, जी जी, इसमें आपकी फीस का 10% लगता है, मतलब अगर आपकी फीस 50 हज़ार रुपये है तो आपको यहाँ पे 12,000 या 10,000 रुपये आपको फीस पे करनी होती है, है ना? पर बाकी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, एक भी रुपये। रहना खाना किसका है? मेरा। तुम्हारा है ना रहना खाना? रहना खाना तो देना ही पड़ेगा सर, रहना खाना तो वहाँ से आया हो तो तुमको फीस तो फ्री है ही है, उसमें एक भी रुपया नहीं लिए आते हैं और किसी प्रकार का कोई यूनियन चार्ज। संदीप ये बताओ मेरे को कि तुम्हारी जब तुम यहाँ पे ज्वाइन किया था तो तुम्हारी क्या अर्निंग क्या थी, और ज्वाइन करने के बाद जब यहाँ पे सीख के गए एशिया टेलीकॉम से तो अर्निंग क्या है? 1500 रुपये पर डे ऐसे कमा लेता था, आज 2-3 हज़ार रुपये। 3 हज़ार रुपये कमाते हो, मतलब लाख रुपये महीना आपका बन जाता है? बन जाता, आँख बंद करके। कोई अगर तुमको 50 हज़ार रुपये महीने में कोई अगर तुमको खरीदे या बोले कि यार मेरी दुकान पे आके बढ़ जा, तेरे को 50 हज़ार रुपये देता हूँ या 60 हज़ार रुपये देता हूँ, तो जाओगे क्या? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना काम सीखने के बाद क्या तुझसे क्या जॉब पूरी कर सकता? ये एशिया टेलीकॉम का लेवल है, ये एशिया टेलीकॉम का लेवल है, ये एशिया टेलीकॉम का ये लेवल है कि यहाँ के बच्चों को 60 हज़ार रुपये अगर आप ऑफर भी कर रहे हो तो आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास नागपुर से फोन आया, बोले कि सर आप जो स्टूडेंट को पढ़ाते हो, हमने क्या आपको बोला, हमने आपको बोला ये कि यहाँ से जाने के बाद आपको जॉब का रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा, आप खुद ऑनर बनोगे ना इंडिविजुअल, आप खुद ऑनर बनोगे, उसके मालिक तुम ही हो गए। यहाँ पर हम बादशाह बनने आए, किंग बनने आए, नौकर बनने नहीं आए। संदीप तो आपकी कमाई भी इंक्रीज हुई, और जो आप यहाँ पर जब बैकअप क्लास में आए थे तो बैकअप क्लास में जो आपके डाउट्स थे, जहाँ आप फंस रहे थे, तो आपका समाधान हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, मैं बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से जो जो प्रॉब्लम आ रही थी मैंने सारी बुझी, सारे स्टेप बाय स्टेप बताए गए, और जो भी है मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा जिसमें मतलब आपका प्रॉब्लम ना सॉल्व हुआ हो। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि एक बार नहीं 10 बार आप बैकअप क्लास के लिए आइए,
कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तो मतलब ये बताओ मेरे को कि लाइफ टाइम सपोर्ट, कहने का मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट है। बैकअप सपोर्ट किससे मिला है आपको? सर मिलन सर द्वारा मिला है। मिलन सर के द्वारा मिला है। और देव सर के लिए बहुत 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 थैंक्स, और एशिया टेलीकॉम के लिए पूरी तो टीम कैसी, के लिए। कैसी है टीम यहाँ एशिया टेलीकॉम की टीम कैसी है, देव सर की टीम कैसी है? लाजवाब, बेमिसाल। कोई खाली एक टीचर है क्या यहाँ पे? नहीं सर, हर चीज का एक स्पेशलिस्ट है ना यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे ये नहीं कि एक ही जो संदीप जो जब तुम पढ़ने आए थे तब भी वही टीचर थे जो आज टीचर है, वही है, प्लस बढ़ गए उल्टा। हाँ जी, और सबसे मेन चीज ये सर नहीं हुआ करते थे आपके, हाँ हाँ आपके साथ सबसे, है ना? सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे मालिक जो देव सर हैं वो खुद ही मालिक हैं और खुद ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये इस चीज का कितना प्रभाव होना चाहिए कि मतलब बहुत मालिक और खुद पढ़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कहना है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ, और इंडिया बेस्ट टीचर है, इंडिया बेस्ट टीचर है, ऑफिस है इंडिया बेस्ट टीचर है। सर का ये कहना है कि सर मैं बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ कि मैं खुद कहीं सीखने जा रहा हूँ, उस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं सर आपको? पूरा जीरो से पढ़ाते हैं ना? जीरो से, जीरो से पढ़ाते हैं, जीरो से, और फिर एंड तक लाके फिर आपको छोड़ते हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जितना आप ले सकते हैं उतना ले लीजिए। दो मिनट के लिए मैं तुम्हारे साथ मिलन सर को बुलाना चाहूँगा। सर दो मिनट आइए। सर क्या एक बच्चे से फीस ले ली जाए, एक बच्चे से फीस ले ली जाए तो ये 30 दिन या 60 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है क्या? देखिए, अगर कोई फ्रेशर बच्चा आए तो 60 दिन में कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे अगर दुकान पे अगर काम करने वाला बंदा भी आता है और 30 दिन में क्या वो 100% का 100% लेके जा सकता है? 100% तो कभी नहीं ले सकता है। वो क्या है कि आप कहीं पर भी जाओ तो आपको रास्ता चलना पड़ता है, या कहीं चढ़ो तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। सर ये 2000 एक दिन में नहीं हो सकता है। सर ये 2020 के स्टूडेंट है, 2020 के स्टूडेंट है, आज चल रहा है 2022, वो भी एंड में चल रहा है, आधा निकल चुका है, अगले महीने से मई लग जाएगा, छठा महीना लग जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि एक इंस्टीट्यूट के एक साल में आधी टीम बदल जाती है, यहाँ उसका मालिक बदल जाता है, यहाँ टीचर बदल जाते हैं, ये टीचर बदल जाते हैं, ये कंडीशन होती है। तो उस रूप में जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के उनको बैकअप सपोर्ट मिलेगा क्या? देखिए, बहुत जो टीचर होते हैं या कोई भी काम करता है दुकान में, तो सबकी काम करने की तरीका अलग होता है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैं उस तरीके से काम करता हूँ। अब मैंने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा और किसी और टीचर ने सिखाया काम, और मैं बैकअप सपोर्ट दे रहा हूँ दूसरे टीचर से, तो वो बोलेगा भाई इस तरीके से कर, वो बोलेगा कि सर मुझे इस तरीके से तो पता ही नहीं, फिर उसको नई एबीसीडी शुरू करना पड़ेगा, वो नया से शुरू करना, ये दिक्कतें होती है। अगर टीचर चेंज होती है तो आप ऐसे टीचर से पढ़ के जाओ, पढ़ने जाओ जो एक्सपीरियंस है सर, जो 4 साल से 3 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज दुकानदारी में 4-5 सेट बना लिए और बैठ गए, इंस्टीट्यूट खोल दिए, चले गए आप, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। सर मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, ये आपको जो देख रहे हैं ये काफ़ी नए बच्चे देख रहे हैं जी, एक नया बच्चा जो अपने घर पे बैठा है, 10th 12th पास करके बैठा है, और तो उसने क्या सोच के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, क्या खूबी होना चाहिए इंस्टीट्यूट में जो आज का समय चल रहा है उसके अंदर? देखिए, एक ये काम ऐसा है, इस काम में सीखते ही रहना है हमेशा, और इस काम में अगर लगन नहीं होगा आपकी सीखने की तो आप नहीं कर पाएंगे। लगन होना चाहिए आपके अंदर, एक जुनून होना चाहिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे 6 महीने बराबर है। नहीं सर, इंस्टीट्यूट में क्या खासियत होना चाहिए कि मतलब क्या? इंस्टीट्यूट में सर पढ़ाने की तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से आप समझा रहे हैं स्टूडेंट को, किस तरीके से प्रैक्टिकल दे रहे हैं, किस तरीके कितने टाइम लोगों को बैठा रहे हैं, वर्किंग टाइम कितने टाइम आपको असेंबली छूने दे रहे हैं, ये उसकी हैंड स्किल कैसे अपग्रेड हो रहा है, किस तरीके से नॉलेज दे रहे हैं, किस तरीके से उसको दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो सर ये इन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बच्चे जो है ना सर, ये बच्चे ऐसा है, ये हमेशा ही सीखना चाहते हैं जी, ये 2-5 महीने बाद वापस आ जाते हैं कि सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वही सेट लेके आते हैं और वही क्लियर करते हैं। क्या तुम्हारा वो सारे फॉल्ट क्लियर हुआ जो फॉल्ट लेके आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्लियर, सब सारे मोबाइल क्लियर हो गए। तो जो भी फॉल्ट था वो सारे क्लियर करवाते हैं उन्हीं की हाथों से, यार नहीं समझ में आता है तो हम करके देते हैं कि ये लेटेस्ट सर, ये 5G फ़ोन आ गया लेटेस्ट, या ये लेटेस्ट फॉल्ट है, ये सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए है बैकअप सपोर्ट। बैकअप सपोर्ट इसलिए है, बैकअप सपोर्ट उसी को बोलते हैं सर कि आप घर बैठे हैं, मैं फ़ोन करके एक सॉल्यूशन दे दिया, उसको बैकअप सपोर्ट नहीं बोलते हैं सर। बैकअप सपोर्ट उसको बोलते हैं, मैं आपको आके यहाँ पर बैठा के फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, और पढ़ा के
नया नया मार्केट में जो फॉल्ट है उसके बारे में समझाऊंगा। सर जो हमारी फीस है लगभग अकॉर्डिंग वो दूसरे इंस्टीट्यूट की भी फीस है, एक्चुअल हमारी फीस में रहना खाना सारा इंक्लूड होता है। हम बाहर से आने वाले बच्चे से, अगर कोई बच्चा झारखंड से आया वो जबलपुर में कहाँ घूमेगा, रहने खाने के लिए कहाँ जाएगा? हो सकता है अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, हो सकता है वो कहीं से इन्फेक्टेड हो जाए, पूरी बैच खराब हो जाए, तो रहने खाने का इंतजाम हम करते हैं, है ना, उस पर हमारा रहना खाना भी इंक्लूड होता है। आप ये बताइए मेरे को कि मतलब उसके बाद भी हमने आज तक कभी स्टूडेंट से दूसरी बार कोई हम ऊपर से फीस नहीं लेते, अलग से अपडेट की फीस नहीं लेते, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट रहना खाना तो अलग रहता है, उनकी फीस ही हमारे जितनी रहती है, रहना खाना अलग से रहता है और साथ में जब भी बैकअप सपोर्ट है तो सर वो पेड होता है उनका। देखिए एक जैसे कुछ देर बाद सर लाइव आए थे कि एक 300 रुपये के आलू की बात कर रहे थे, तो है ना, तो कुछ चीज़ें देखे उन्होंने एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो फ्री में मिलता है और फ्री में मिलने के बाद उसको ले भी लेंगे तो कोई मतलब की नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक प्रोसीडियर होता है, एक मानसिक होता है, एक चीज़ होता है कि सीखने की कि किस तरीके से क्या होता है, ये सारे चीज़ समझना है आपको। और आप अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पास आप आ जाइए, आप 10 वीडियो देखिए, 20 वीडियो देखिए, स्टूडेंट के रिव्यू देखिए, मुझे नहीं लगता हमारे जैसे रिव्यू और किसी इंस्टीट्यूट के चैनल में डला हुआ हो, ठीक है। तो आप देखिए उसको और देखने के बाद अब हमारी जवान ना सुन के जो काम सीख रहे हैं उनकी जवान सुन के, स्टूडेंट की आवाज़ सुने, जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसकी आवाज़ सुने। चलिए ठीक है संदीप, फाइनली आर यू हैप्पी विद दिस बैकअप? ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू।
से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं? जो सहले पंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू, भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू, करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू, अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू, भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे,
तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख,
कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख।